अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का हमारा टॉपिक है मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑल्दो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स को पढ़ चुके हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, लेकिन अब हम जो है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम को थॉरली स्टडी करने जा रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि डाइजेस्टिव ट्रैक के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमने जो एग्जाम्पल ली है वो मोस्ट एडवांस्ड एनिमल की है, जो कि हैं मैमल्स, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उन्हीं के लिहाज से ज़्यादा एडवांस्ड है। तो इसमें हम जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो सबसे पहले जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि इंजेशन, ईटिंग, देन पेरिस्टालिसिस, सेगमेंटेशन, जो आपने ले लिया है फूड, उसको आपने च्यू किया है माउथ में और उसके बाद आपने उसे स्वॉलो कर लिया है। आफ्टर स्वॉलोइंग नाउ फूड कहाँ जा रहा है आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इसका मतलब है कि फूड को माउथ में रखने, उसको च्यू करने और स्वॉलो करने तक तो एक्ट जो है वो वॉलंटरी था, यानी ये आप खुद कर रहे थे इन योर साइंसेस। बट वंस यू हैव स्वॉलोड द फूड, लेटर ऑन द मूवमेंट ऑफ द फूड, कि ये फूड आगे मूव कैसे कर रहा है और आगे इसके साथ क्या हो रहा है, ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज इनवॉलंटरी। When you swallowed the food later on, mostly types of different types of movements, जैसे कि पेरिस्टालिसिस है या सेगमेंटेशन है, ये फूड को जो है वो आगे लेकर जाती हैं, इस पाइप में आगे की तरफ मूव करती हैं। उसके बाद है सिक्रीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशन गेट मिक्सड विद द फूड, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हारमोन्स, द एंजाइम्स एंड द केमिकल्स दैट टेक पार्ट इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द डाइजेशन। देन कम्स द डाइजेशन, और डाइजेशन का बेसिक दो तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल एंड केमिकल। इन मैकेनिकल डाइजेशन, एज यू डू इन योर माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ, आप फूड को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते हैं, यही मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में भी मुख्य पार्ट्स में हो रही है, जैसे कि स्टमक में भी मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेशन इज केमिकल डाइजेशन, जिसमें मतलब एंजाइम्स जो हैं वो फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें मतलब बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द मोनोसेक्राइड्स, और इसी तरह से जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फैट्स में जो ट्राइग्लिसरॉल या बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड कन्वर्ट किया जाता है। Then after digestion, food must be absorbed from the digestive tract into the blood so that it can received by each and every part of the cell. क्योंकि food की ज़रूरत तो हर body में हर part को है, लेकिन हर cell को है, लेकिन food जो है वो सिर्फ digestive tract में मौजूद है। So it's very important कि जो digestive food है उसको वहाँ से लिया जाए और उसको बॉडी के हर सेल को दिया जाए। तो ये काम ब्लड बहुत एफिशिएंटली कर सकता है, बिकॉज इट डिस्टाइन टू मूव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दी बॉडी। तो यहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक के इंटेस्टाइनल रीजन से, जहाँ पर फूड जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड फिर इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड द लास्ट इज़ डेफिकेशन। डेफिकेशन से मुराद है द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, और वो फूड जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाए थ्रू द एनस। तो ये जो है ये बेसिक रोल हैं या स्टेप्स हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये स्टेप्स कैसे होते हैं, इनकी स्टडी के लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य पार्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी की और इसके कंट्रोल की। बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी से क्या मुराद है, इससे मुराद है हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये सबका सब रीजन जो है, इसकी मोटिलिटी, इसकी मूवमेंट कैसे होती है। फूड को ये एक पाइप की तरह है, तो फूड जो कि हमने स्वॉलो कर लिया, इसको आगे इस पाइप पे मूव कैसे करवाया जाता है। तो इसकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हैं वो देखें कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो किस चीज़ से मिल के बना हुआ है। तो पूरे का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो बेसिकली इसी इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो यही है कि इसमें सबसे पहले एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जिसको हम नाम देते हैं सिरोज़ा। सिरोज़ा इज़ दी फर्स्ट आउटर मोस्ट थिक लेयर, कंपैरेटिवली थिक लेयर।
सिरोज़ा के बाद आती है मस्कुलर लेयर, जो कि दो तरह के मसल पे मुश्तमिल है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स। नाउ दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड। लॉन्गिट्यूडनल मसल जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेंथ वाइज पड़े हुए हैं, और स्मूथ मसल और जो सर्कुलर हैं वो इस वजह से उनको ये नाम दिया गया है क्योंकि उनकी अरेंजमेंट सर्कुलर है। आफ्टर मस्कुलर लेयर देयर कम्स द सब म्यूकोज़ा, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, और उसके बाद वेरी थिन लेयर विच इज़ म्यूकोज़ा, और म्यूकोज़ा के बाद ल्यूमेन आता है, यानी वो पाइप, वो एम्प्टी स्पेस जहाँ पर फूड जो है वो मौजूद होता है। बेसिकली दी अरेंजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी हेल्प इन दी पेरिस्टालसिस एंड सेगमेंटेशन। यही पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन जो है ये वो मूवमेंट है, ये वो मोटिलिटी है जो कि फूड को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, पाइप में आगे की तरफ मूव करवाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो जैसे हमने स्वॉलो किया फूड को, तो अब फूड ने कहाँ जाना है, इनटू द इसोफिगस। ये इसोफिगस एक बड़ा सा पाइप है, यहाँ पर इस फूड को आगे की तरफ मूव करवाया जाता है। उसके बाद फूड ने आ जाना है इन स्टमिक, स्टमिक के बाद इसने आना है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एनस से बाहर चले जाना है। तो ये आपने इस डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये डायग्राम मस्ट जो है वो आप लोगों ने बनानी है, बल्कि जितनी भी डायग्राम्स हैं वो सब के सब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये डायग्राम साथ साथ आपको बनानी भी आनी चाहिए। तो ये अरेंजमेंट किस तरह से फूड की मूवमेंट में हेल्प करती है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिस्टाल्सिस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेरिस्टाल्सिस को शो किया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है पेरिस्टाल्सिस में कि फूड आगे की तरफ मूव कर रहा है, जब ये सर्कुलर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फूड जो है ये पाइप बंद हो जाता है और फूड आगे की तरफ मूव करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप जो टूथपेस्ट है उसमें से जब पेस्ट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, पीछे से उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पेस्ट जो है वो बाहर की आगे की तरफ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। यहाँ पर आप देखें इसोफेगस के इस रीजन को अगेन कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और ये फूड आगे इस तरह से मूव कर रहा है। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टाइलिसिस। सम टाइम पेरिस्टाइलिसिस कैन बी रिवर्स्ड, और इस रिवर्स पेरिस्टाइलिसिस के नतीजे में वॉमिटिंग हो जाती है, जैसे कि फूड में कोई इरिटेंट है या आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो इस फूड को रिसीव नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि अब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यहाँ पर इस रीजन में होगी, जिसकी वजह से फूड की मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी वो इसोफेगस से अगेन फेरिंग्स और फिर माउथ में आने के बाद जो है माउथ से बाहर चला जाएगा, जिसे हम वॉमिटिंग का नाम देते हैं। तो ये वॉमिटिंग जो है वो रिवर्स एंटी पेरिस्टाल्सिस की वजह से होती है। सेकेंड काइंड ऑफ मूवमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बेसिकली इंटेस्टिनल मोटेलिटी क्रिएट करती है, यानी इंटेस्टाइन में फूड को आगे की तरफ मूव करती है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को इस डायग्राम में शो किया गया है, आप देख सकते हैं कि सेगमेंटेशन में भी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रीजन्स हैं जहाँ पर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं फोर्सफुल नहीं है कि ये पाइप ही बंद हो जाए, बल्कि यहाँ पर एक ही वक्त में बहुत से सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो आप ये कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर रहा है। और बेसिकली इस फूड का, इस मूवमेंट का मकसद क्या होता है कि फूड को जो एंजाइम्स हैं उनके साथ अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाए, जो सिक्रीशंस हैं उनके साथ फूड की मिक्सिंग की जाए, ताकि ये जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हैं ये फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकें और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो सकें। तो ये पेरिस्टाइलिसिस एंड सेगमेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी डाइजेशन ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मुख्तलिफ किस्म के स्फिंक्टर्स मौजूद हैं, लाइक दिस इज़ द पॉइंट ऑफ स्फिंक्टर। हर जगह जहाँ कोई नया पोर्शन शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है वहाँ पर स्फिंक्टर्स मौजूद हैं। ये स्फिंक्टर्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स हैं उनकी बैकवर्ड फ्लो में को प्रिवेंट करते हैं, यानी एक दफ़ा इसोफेगस से फूड जो है वो स्टमक में एंटर हो गया है तो अब ये स्फिंक्टर, जिसे कार्डिक स्फिंक्टर का नाम दिया जाता है, ये बंद हो जाएगा, और ये जब बंद होगा तो फूड अब स्टमक से दोबारा इसोफेगस में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर फूड ये इस स्फिंक्टर ने बैकवर्ड जो फ्लो है फूड को उसको प्रिवेंट किया।
ये स्फिंक्टर जो हैं वो स्मूथ या स्केलेटल मसल के हो सकते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन के बिगनिंग और एंड पर होते हैं। अब यहाँ से स्टमक से जब फूड जाएगा इंटेस्टाइन में तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाएगा ताकि ये फूड जो है ये अब दोबारा स्टमक में ना आ सके। तो इस तरह से ये स्फिंक्टर जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं जिससे पाइप लिटरली बंद हो जाता है और ताकि फूड जो है वो दोबारा मूव ना कर सके। व्हाट हैपन व्हेन वी टेक लॉट्स ऑफ फूड, आपका बहुत फेवरेट फूड है, आपने बहुत सा खा लिया है तो अब आपका स्टमक ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब इसकी वजह से आपका ये जो स्फिंक्टर है कार्डिक स्फिंक्टर ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये फूड जो है वो सम टाइम दोबारा इसोफिगस में चला जाएगा। अब क्योंकि स्टमक में ये फूड एसिडिक है तो आपको इसोफिगस में अपनी बर्निंग सेंसेशन होगी, यानी जलन सी महसूस होगी क्योंकि ये एसिडिक फूड जो है ये कार्डिक स्फिंक्टर के प्रॉपरली बंद ना होने की वजह से आपके इसोफिगस में चला गया। तो स्फिंक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। वी विल अगेन कम बैक टू वर्ड द स्टमक, लेकिन इससे पहले हम जो है वो जो बात कर रहे हैं वो मोर्टेलिटी की है, जिसमें हमने बात की है कि बेसिकली जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो किस तरह से बना हुआ है और डाइजेस्टिव ट्रैक के में दो तरह के मूवमेंट पेरिस्टाइलिसिस और सेगमेंटेशन है और इसके अलावा स्फिंक्टर्स हैं जो कि इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक की मोटिलिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है बाय दी वॉल्यूम ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ फूड। जैसे कि जो इंजेस्टेड फूड है वो हमारे गट के साथ जब टकराता है तो ये कुछ मैकेनिकल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और ये मैकेनिकल रिसेप्टर फिर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये फूड की ब्रेक डाउन हो सके। इसके अलावा ये हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में नर्व प्लेक्सेस मौजूद हैं, यानी एक नेटवर्क सा, नर्व्स का एक नेटवर्क सा बिछा हुआ है और ये नेटवर्क जो है वो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली कंट्रोल होता है बाय द ब्रेन। तो ये जो हमारे एंडोक्राइन सेल्स हैं वो भी जो सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसे गैस्ट्रिन का नाम देते हैं और ये गैस्ट्रिन जो हैं ये इन टर्न हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी है उसको कंट्रोल करती है।